फ्रेंड वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के 8 फरवरी को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो क्वेश्चंस दोस्तों मैं बताऊंगा उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके फाइनली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाई डज द पोर्ट वांट गो टू लाइट द लैम्प। तो दोस्तों है पहले चैप्टर्स का आपका प्रश्न है, तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वह आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के दोस्तों आपके क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर आपका फाइनली पेपर आने वाला। उसका रहता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दे लव, है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रे टू गॉड, डू यू थिंक दैट द गॉड रिप्लाइज अप। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो क्लिक करना है और प्रश्न को क्रॉप करना है, उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो, फिर चाहे प्रश्न आपका IIT JEE मेन्स एडवांस नीट या फिर 6-12 क्लास का हो, इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ का हो, तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9-12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउट नेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउट नेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्रेयर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसका रहता है आपका फोर्थ क्वेश्चंस, व्हाट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वेक अप, डिस्क्राइब ब्रीफली, है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है आपका फिफ्थ क्वेश्चंस, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, लिटिल बॉय की ड्यूटी क्या थी। दोस्तों सेकेंड चैप्टर से है क्वेश्चन, से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिविजन टेस्ट में भी पूछा गया था। उसका रहता है आपका सिक्स क्वेश्चंस, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है आपका सेवन्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉय मेकअप हिमसेल्फ अवेबल टू वॉक एंड रन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है आपका दोस्तों आठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, महात्मा गांधी ने भगत सिंह से कहा क्या कहा था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसका रहता है आपका नवा क्वेश्चन, What are your duties toward the nation? Write in your words. तो दोस्तों आपको मन से भी आप इसको लिख सकते हैं कि आपकी आपके राष्ट्र के प्रति क्या ड्यूटी है, तो आप दोस्तों उसको थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा और आप अपने मन से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन कि what did the three revolution do while going towards the flash of execution? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसका रहता है आपका व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर से दोस्तों क्या कहा था। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से आप याद कर लीजिए। उसका रहता है आपका बारहवां क्वेश्चन, वेयर डू द विंडोज ओपन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रहता है आपका तेरहवां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। उसका रहता है आपका चौदहवा क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चिल्ड्रन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका रहता है आपका पंद्रहवा क्वेश्चन, हु आर वेटन देन विजडम ऑफ द बुक्स, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो दोस्तों टोटल आपको मैंने 15 क्वेश्चन बताए, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके 8 फरवरी को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन की दोस्तों आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों हो सकेगा तो मैं इन सभी का सॉल्यूशन भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप आपको मेरी है जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।